जनपद के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के बिशुनगढ़ कस्बा निवासी नेम कुमार ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मोहल्ले के ही अतुल वर्मा ने पीड़ित से 35,000 रूपए उधार लिया था। रुपए मांगने पर वह हीला हवाली कर रहा है। 27 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे जब पीड़ित अतुल वर्मा से रुपए मांगने गया तो उसने रुपए देने से मना कर दिया और गाली गलौज करने लगा। उसने बताया है पीड़ित ने कि उक्त अतुल वर्मा की नियत खराब हो गई है, वह उसकी उधारी का रुपया हड़पना चाहता है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी को प्रार्थना पत्र देकर उक्त आरोपी पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? नेम कुमार उलपुच्चू। किस संबंध में आज यहाँ पर आए आप हैं? हुआ क्या, 27 तारीख को मेरे साथ 27 तारीख को अतुल वर्मा के साथ मैंने कॉल किया फोन पे, पैसे मेरे थे तो मैंने 17 19 का लतू जी मेरे पैसे दे दो आज आखिर, तो वो बोला 17 मतलब अभी रुको, राम मोहन जी से फ़ोन करवा रहा हूँ तुम्हारे पास, राम मोहन लोधी से अभी तुम्हारे पास फ़ोन करवा रहा हूँ भैया। उस वो मैंने इतने सुन के फ़ोन तुरंत काट दिया, उसका नाम लिया तहसील मैंने फ़ोन उसका तुरंत काट दिया। उसके बाद मेरी छह काल आती हैं, सातवीं काल में क्या हुआ, मैं जैसे फ़ोन उठाया वैसे बोला तूने मुझे अतुल के मोबाइल में गाली दी है, जे तुझे मार डालूंगा, फलाना ढिकाना करूंगा, दुनिया की माँ बहन गाली दी वो इसमें मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या मतलब 28 तारीख को मैं बिशुनगढ़ थाना में जाके अपनी तहरीर देता हूँ, अपने आईडियो को मैंने एसओ साहब को सुनाया, एसओ साहब बोले वो नेता लोग ऐसी गाली वगैरह देते रहते हैं, नेता जी को आने दो मैं उन्हें समझा दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम घर जाओ। 29 तारीख संडे पड़ा, 30 तारीख को मैं कन्नौज कप्तान साहब को दिया, जिला एसडीएम साहब को दिया। अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस कह रही है, पुलिस ऊपर से मैं दबाव बना रही है कि जब तक नेमकार तू समझौता नहीं तब तक तेरे खिलाफ एक मुद्दा रोज लिखा जाएगा। 31 तारीख को नेताजी ने वो रामबख्श नेता और बुलोदी गाली कौन दे रहा है? ये रामबख्श वर्मा जो आइडियो वायरल हुआ, एक आइडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर क्या आपका है? आईडी जो चल रहा है वो हमें धमकियां दे रहा है, जब जब तू कहीं दिखाई भी पड़ा नेम तुझे जान से मार दूंगा, तू अब तू जहाँ जा पा चला जा। तो आपने कितने रुपए उधार दिए तूने? उन्हें हमने 70,000 रुपए दिया था आज के 6 महीने पहले। तो कितने रुपए आपके बाकी रह गए? बाकी 17 रुपए रह गए खाली मात्र। 17,000? हाँ 17,000। कहाँ मामला है? थाना बिशुनगढ़। आप कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक? मैं 30 तारीख को यहाँ पे दिया, 30 तारीख 4 बजे मेरे पास कॉल आती है थाने से कि ऐसा करो। अभी आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हम लखनऊ चौथा दिन आज वन लौट के आए, लखनऊ जा रहे आए हैं। आप कहाँ आए हैं? आप डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में खड़ा हूँ। किसके यहाँ आए? कप्तान साहब के पास। कुछ आश्वासन मिला? मिला है कि आप होगा तुम्हारा सीओ साहब जाँच करेंगे। कब करेंगे? आज 7 दिन हो गए। ठीक, क्या नाम है? नेमकार और पच्चू भैया।